दोस्तों, हमने अपने वीडियो में क्लिप भी दिखाया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रिया के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्रिया के बच्चे का बर्थडे पार्टी हुई थी और वो बता रही थी कि रोहन यहाँ नहीं रहता है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, हम मानते हैं रोहन यहाँ नहीं रहता है, लेकिन तुम ऐसा सब बता रही हो तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि बच्चा छोटा सा है, पहला मतलब उसका बर्थडे है और तुमने उसके पापा को नहीं बुलाया है। आज यही बच्चा बड़ा हो के अपना फर्स्ट बर्थडे का वीडियो देखेगा, जो भी हो बाद में जब भी होगा, पर आज नहीं तो कल वो पूछेगा ना कि मम्मी मेरे पापा कहाँ है, तो तब तुम क्या बताओगे उसको। जी हाँ दोस्तों, कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है, ये सारी बातें बताओगे, मतलब कुछ सही बताओगे कि गलत बताओगे, क्योंकि रोहन ने गलत किया है नहीं किया है तो तुम्हारे मतलब तुमको पता है, हमको तो इतना जितना तुम बताओगे उतना ही पता है, लेकिन सब कुछ भुला के तुमको एक दिन तो उसको बच्चे से मिलाना चाहिए, सही है कि नहीं। मतलब अब ये है कि तुम उसको टोटली उसके पापा को भुला ही दे रही हो, मतलब एक छोटा सा बच्चा है और उसका पहला बर्थडे है और तुम है तो उसके पापा को नहीं बुलाना चाहती है। कैसी औरत है यार, क्या कहें आपके बारे में। बच्चे का फ्यूचर तो नहीं, अपना फ्यूचर देख रही है, यही बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मतलब लगता है ना कि बच्चे के बारे में नहीं तुम सोच रही हो। अगर वो गलत था तो उन्होंने माफ़ी मांग भी ली है, लेकिन तुम नहीं जा रही हो उनके साथ। मतलब ये कि तुमको अपना भविष्य प्यारा है, बच्चे का नहीं है। मतलब आज अच्छा अच्छी बात है, तुम पैसा कमा रही हो, सब कर सकती हो, लेकिन थोड़ा सा बच्चे से अटैचमेंट बाप का भी होना चाहिए। और मतलब बड़ा हो उसके बाद की बात अलग है, अभी तो छोटा सा है, मासूम सा है सारा, मतलब क्या बताए, उसकी एक्टिविटीज़ कोई कहीं भी हो तो वो देख सके, पर तुम तो उसको बेचारे को वंचित ही कर दिया है, अब उसकी भी क्या बात करें। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में रोहन के बारे में हम बताएंगे आपको कि रोहन कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तो हम प्रिया के बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन रोहन के बारे में भी वीडियो बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रोहन अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ऐसे बोलता है ना कि हम अगले वीडियो में उनके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक बार वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और तुम इतने लोगों की नहीं सुन रही हो तो हम तो करना बेकार है तुमसे कि तुम सुनोगे। अगर हम अपने वीडियो के माध्यम से अगर तुमको कुछ समझाएंगे तुम समझ जाओगी, जब अभी तक नहीं समझी तो अब क्या समझोगी। पहला बर्थडे तो उसका तुमने अकेले अकेले मना लिया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। देखिए, प्रिया अपने बच्चे का बर्थडे कैसे मना रही है। जी हाँ दोस्तों, हम तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपने कर्म खुद ही लिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बच्चे को उसके पापा से अभी से ही जुदा कर दिया है, तो बात का किसने देखा है क्या देखा है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए प्रिया और उनका बच्चा, जी हाँ दोस्तों, बर्थडे मना रहे हैं, बड़े अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन अलका जी और गोरखपुरिया भौजी ने कहा था कि बड़े धूमधाम से मनाएंगे और साथ में मनाएंगे, उनमें से आज कोई एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ पेचअप किया ही नहीं रोहन के साथ, तो वो क्यों आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो अपनी खुशी अकेले अकेले ही बांटने में माहिर है, तो देखिए अब अकेले अकेले ये कब तक चलती है यही देख लेते हैं। और रोहन की क्या बात करें, रोहन के सपोर्ट में बोलेंगे तो रोहन को भी कुछ लगता है कि हमारे वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बोलता है, तो जैसी करने वैसी बननी,
जो जैसा बोएगा वैसा तो काटना ही पड़ेगा ना, वो चाहे रोहन हो चाहे प्रिया हो। जी हाँ दोस्तों, तो रोहन भी, रोहन प्रिया तुम अपनी कहानी कभी यूट्यूब पे नहीं लाते तो तुम्हारे बारे में कोई और वीडियो क्यों बनाता। तुम्हारे घर थोड़ी ना कोई पूछने जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हम दुनिया को दिखाए, तुम खुद तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, समझाने वाले समझाएंगे लेकिन समझाने वाले बेवकूफ है कि वो समझा रहे हो और तुम उनकी सुन नहीं रही हो। तुम YouTube पे डालोगे तो दूसरा क्यों नहीं तुम्हारा YouTube का फ़ायदा उठाएगा ना डालेगा। सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं दोस्तों, अकेले अकेले प्रिया अपने बच्चे का बर्थडे मना रही है।